Now, next type of asexual reproduction which takes place with the help of the spore formation, that is endospore. So, and this process is known as sporulation. Sporulation is the process by which the spores are formed, and as I told you that different types of the spores are produced in bacteria like conidia, oidia, sporangiospores, but the main type of the spore is endospore. So now I am going to discuss about the endospore, about its formation and about its germination and about the its highly resistance towards the extreme condition, right? Now endospores, these are the spores which are thick walled, highly dehydrated and resting spores. Endospores kaise hote hain? They are thick walled, highly dehydrated and resting spore. Highly dehydrated spores hain ye, resting spores, theek hai. They are generally found in, जैसे कि मैंने बताया था कि four types of the bacteria are there on the basis of the shape. So they are generally found in bacillus and coccus bacteria, bacillus and coccus bacteria, or mainly they are soil bound spores. They are soil bound, soil में generally endospores रहते हैं, and they are strictly restricted to large size gram positive bacteria with few exceptions. So they are restricted to large gram positive bacteria with few exceptions. Kuch exceptions bhi rehte hain, theek hai, few exceptions. Ab jo cell एंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है, जो सेल बैक्टीरियल सेल एंडोस्पोर बनाएगा उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियम क्या होगा? सेल प्रोड्यूसिंग एंडोस्पोर इज नोन एज स्पोरेंजियम. और हर एक बैक्टीरियल सेल से एक ही एंडोस्पोर बनेगा, ठीक है. वन सेल will produce one endospore. एक cell में एक ही endospore produce करता है, produce होता है. और ये जो endospore की shape है, size है, position है, it varies in cell. ठीक है, तो its shape, size and position varies in the cell. ठीक है, अब position भी, एंडोस्पोर की पोजीशन जो है सेल में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होता है, डिफरेंट लोकेशन होती है. कभी कभी सेल के बीच में सेंटर में एंडोस्पोर प्रेजेंट रहेगा, कभी सब टर्मिनल रीजन पे और कभी टर्मिनल रीजन पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन एंडोस्पोर्स आर ऑफ थ्री टाइप, सेंट्रल, बेसिकली थ्री पोजिशन ऑफ द एंडोस्पोर्स आर देयर, सब टर्मिनल एंड टर्मिनल, राइट. तो सेंट्रल, सब टर्मिनल एंड टर्मिनल. सपोज दिस इज बैक्टीरियल सेल और इसमें जो है एंडोस्पोर ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा, थिक वॉल्ड स्पोर्स. यू कैन सी हियर दिस थिक वॉल्ड स्पोर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है. सेकेंड सेल इज सब टर्मिनल. In this type of bacterial cell, spore is present slightly away from the center or towards the terminal region. This is the subterminal position of the endospore. And third type of endospore according to the position is terminal, where the endospore is present on the terminal region of the cell. Like this. Endospore is present on the terminal region of the cell. Now width also varies. Endospore ki jo width hoti hai, it also varies.
कुछ एंडोस्पोर्स की जो विथ होती है इट इज सेम और लेस देन द मदर सेल एंड इन सम केसेस द विथ ऑफ द एंडोस्पोर इज मोर देन द मदर सेल. तो अगर विथ के हिसाब से देखें तो सम एंडोस्पोर्स विथ आर सेम और लेस देन मदर सेल. एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंज परफ्रिंजे राइट. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ द एंडोस्पोर वेयर देयर विथ इज मोर देन द मदर सेल विथ इज मोर देन मदर सेल. एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई राइट. नाउ हाउ डज द एंडोफॉर्मेशन टेक्स एंडोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. लेट्स सी एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है जनरली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल सीजन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस वेयर एज बाइनरी डिविजन बाइनरी फिशन अकर्स ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है. अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा. सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है. ठीक है. दिस इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बीच में ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियोइड है इसका न्यूक्लियोइड और जीनोफोर. तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन पार्ट ऑफ द सेल नॉट द कंप्लीट सेल. जैसे कि जब सिस्ट फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में तो उसमें क्या होता है कंप्लीट सेल जो है इट टर्न्स इनटू द सिस्ट. बट इन केस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन पार्ट ऑफ द सेल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एग्रीगेट और एग्रीगेट होगा मीन्स द इंक्लूडिंग द न्यूक्लियोइड. इट विल एग्रीगेट एंड इस तरीके से एग्रीगेट होगा और इसके चारों ओर क्या होगा अ थिक वॉल विल बी फॉर्म्ड अराउंड दिस. अ थिक वॉल विल बी फॉर्म like this. okay part of the this cytoplasm part of cytoplasm along with nucleoid aggregate hoga and covered with thick wall and it forms the endospore. Endospore formation basically kab hota hai jab vegetative phase vegetative cell when it reaches to the resting phase due to the nutrient limitation. जिस मीडियम में एंडोस्पोर बैक्टीरियल सेल रह रहा है तो उस बैक्टीरियल सेल की वेजिटेटिव सेल जो है बैक्टीरिया का वेजिटेटिव सेल और बैक्टीरियल सेल जब वो रेस्टिंग फेज में पहुंचता है रेस्टिंग फेज में या स्टेशनरी फेज में पहुंचता है. स्टेशनरी फेज में कब पहुंचेगा जब न्यूट्रिएंट मीडियम जो मीडियम है जिस मीडियम में बैक्टीरियल सेल है उसमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाएगी खत्म हो जाएगी या लिमिट हो जाएगी लिमिटेड हो जाएगी. तो उस केस में क्या होगा कि अब जो है बैक्टीरियल सेल वेजिटेटिव सेल ऑफ द बैक्टीरिया इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंडोस्पोर. ठीक है. और जो ये स्पोरुलेशन होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. तो दिस स्पोरुलेशन एंडोस्पोर फॉर्मेशन के समय क्या होता है स्पोरुलेशन होगा और ये स्पोरुलेशन जो होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या होगा जो वेजिटेटिव प्रोटीन होता है स्पोर फॉर्मेशन के लिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए जो वेजिटेटिव प्रोटीन एंडोस्पोर फॉर्मेशन करने के लिए
वेजिटेटिव सेल के जो प्रोटीन्स होते हैं इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द स्पोर प्रोटीन. जैसे ही वेजिटेटिव प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्पोर प्रोटीन में, जैसे ही वेजिटेटिव प्रोटीन स्पोर प्रोटीन में कन्वर्ट होगी इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द एंडोस्पोर. सो स्पोरिलेशन इज कंट्रोल्ड बाय, स्पोरिलेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. और कब स्पोरिलेशन होगा, कब एंडोस्पोर फॉर्म होगा, जब जो वेजिटेटिव प्रोटीन है वेजिटेटिव सेल में जो वेजिटेटिव प्रोटीन है वो स्पोर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस इज हाउ द एंडोस्पोर फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर. तो सबसे पहले एंडोस्पोर में सेंटर में क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. दिस इज द सेंट्रल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज नोन एज कोर. दिस सेंट्रल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज कोर. ठीक है, यू कैन राइट इट हियर. दिस इज सेंट्रल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, राइट. अब इस कोर के चारों ओर क्या होगा, एक वॉल होगी. दिस इज द वॉल सराउंडिंग द कोर इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन. और ठीक है, दिस इज द वॉल विच इज सराउंडिंग द कोर इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन और द कोर मेम्ब्रेन. कोर मेम्ब्रेन और इसको क्या बोलते हैं, जर्म मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, और इसके बाहर, ठीक है, कोर के बाहर जर्म मेम्ब्रेन और कोर मेम्ब्रेन के बाहर जो वॉल है, दिस वॉल इज नोन एज कोर वॉल, राइट. दिस वॉल इज नोन एज कोर वॉल. नाउ दिस कोर इज मेड अप ऑफ डीएनए. ये जो कोर है, दिस कोर इज मेड अप ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स. ठीक है, ये जो कोर है इसमें क्या क्या होता है, डीएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, नाउ सराउंडिंग दिस कोर वॉल, ये दिस इज द सराउंडिंग दिस कोर वॉल अ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज नोन एज कॉर्टेक्स. दिस इज द कॉर्टेक्स विच सराउंड्स द कोर वॉल एंड दिस कॉर्टेक्स इट कंसिस्ट ऑफ, दिस इज द कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम डिपीकोलिनिक एसिड, डिपीकोलिनिक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स, पेप्टिडोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स. कई कई पे जगह पे कुछ बुक्स में आप देखोगे सिर्फ कैल्शियम डिपीकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स लिखा होता है. ठीक है, कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कैल्शियम डिपीकोलिनिक एसिड पेप्टिडोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स एंड बेसिकली दिस कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीम रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंडोस्पोर टुवर्ड्स द फॉर द फिजिकल और केमिकल एजेंट्स. ठीक है, एंडोस्पोर कैन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर अप टू 150 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड एज वेल एज इट कैन ऑल्सो सर्वाइव इन वेरी लो टेम्परेचर अप टू -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, तो ये सर्वाइवल, इट कैन सर्वाइव इन वेरी स्ट्रेस कंडीशन. दिस सर्वाइवल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कैल्शियम डिपीकोलिनिक एसिड कॉम्प्लेक्स एज वेल एज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थिक वॉल लेयर. थिक वॉल लेयर क्या होती है, इसमें कई लेयर होंगी भी हम देखेंगे. सो दिस इज द कॉर्टेक्स. नाउ कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय, फाइनली कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय स्पोर कोट. स्पोर कोट जो है, इट इज मेड अप ऑफ, स्पोर कोट इज मेड अप ऑफ टू
membrane, inner coat and outer coat. So this cortex is now surrounded by inner coat. This is inner coat, and around this is present the outer coat. This is outer coat, and inner coat or outer coat together they constitute the structure, that is spore coat. So cortex is surrounded by spore coat. Around 80% of the protein of endospore is constitutes this spore coat. So spore coat is constituted by around 80% of protein of the endospore, or kareeb it forms around the 30 to 60% of the dry weight of endospore. 30 to 60% of dry weight of endospore. Okay, up the outermost layer which surrounds this endospore is an exosporium. Okay, this is the outermost layer which is known as exosporium, right? So this is the structure of endospore. Ab jo endospore hai, it is thick enough, to last for many years. Sometimes endospores are pathogenic, and they are very serious pathogenic. For example, endospores are not always pathogenic. Some endospores are pathogenic. Let's see the pathogenic endospore. One example of pathogenic endospore is Bacillus anthracis. A bacteria hai, Bacillus anthracis, which causes the disease. This bacteria, it causes the disease anthrax. Ab anthrax generally kaha hota hai? It affects the animals. Anthrax kis mein hota hai? It affects animals. Theek hai? Ab animals mein, animals ke jo wool hote hai, animals ki body pe jo wool hoga, us wool mein kya hoga? इसके एंडोस्पोर प्रेजेंट रहते हैं. बेसिलस एंथ्रेसिस के एंडोस्पोर्स दे रिमेन्स प्रेजेंट इन द वूल ऑफ द एनिमल. अब क्या होता है, इस वूल से ये एंडोस्पोर इट विल ट्रांसपोर्टेड टू द वीवर्स बॉडी. वीवर की बॉडी में जाता है इसका एंडोस्पोर, और फिर वीवर से इट कैन बी स्प्रेड टू द अदर पीपल. दूसरे लोगों को किस तरीके से ये डिजीज अफेक्ट करता है, किस तरीके से इस डिजीज का ये इस डिजीज स्प्रेड होता है, आप ये देख सकते हैं. ठीक है, सो द एंडोस्पोर ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंड इट कॉजेज अ वेरी सीरियस डिजीज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रीजन responsible for the extreme resistance of endospore. ठीक है, एंडोस्पोर में एक कैसे एक्सट्रीम रेजिस्टेंस आता है, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस कंडीशन. हाउ द एंडोस्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू द stress conditions. There are three reasons. First is presence of thick wall. इनके three reasons है. First is presence of thick wall. Thick wall, it is made up of four layers. ठीक है, चार layers से मिलके बना होता है. First is four layers are present. फोर वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्सोस्पोरियम, सेकेंड इज स्पोर कोट,
third is cortex, and the fourth is core wall. ठीक है, core wall. तो ये चार लेयर जो है ये डे टुगेदर मेक्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी टफ, वेरी रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द स्ट्रेस कंडीशन. द अदर रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ एंटी कोआगुलेंट. एंटीकोआगुलेंट की प्रेजेंस के चलते क्या होता है, व्हाट इज एंटीकोआगुलेंट, दिस कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड जो होता है इसमें, इट प्लेज द रोल ऑफ एंटीकोआगुलेंट. प्रोटीन को कोआगुलेट होने से ये प्रिवेंट करता है. तो दिस इज द सेकेंड रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सट्रीम रेजिस्टेंस ऑफ द एंडोस्पोर. एंड द थर्ड रीजन इज द लेस वॉटर कंटेंट. लेस वॉटर कंटेंट. अब लेस वॉटर कंटेंट से क्या होगा, लेस वॉटर कंटेंट से क्या होता है, मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म विल रिड्यूस, मेटाबॉलिज्म विल डिक्रीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर विल स्टॉप. ठीक है ना, जर्मिनेशन अभी हम देखेंगे कैसे होता है. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर क्या होगा, इट विल स्टॉप, जिससे कि क्या होगा, बैक्टीरिया विल, अब क्या होगा, जब अनफेवरेबल सीजन में स्ट्रेस कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं हो रहा है. ठीक है ना, स्ट्रेस कंडीशन में क्या हो रहा है, जर्मिनेशन स्टॉप हो गया. क्यों, क्योंकि लेस वॉटर कंटेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, किसी भी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई रखने के लिए द सेल नीड्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द वॉटर. अब यहां क्या हो रहा है, वॉटर कंटेंट कम हो गया तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो गई, काफी कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाएगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन बंद हो जाएगा, जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा, जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा स्ट्रेस कंडीशन में. तो क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेशन स्टॉप हो गया और बैक्टीरिया विल सर्वाइव इन फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, इन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो बैक्टीरिया विल सर्वाइव. बैक्टीरिया कैसे सर्वाइव करेगा, नाउ ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन व्हाट हैपेंस, जर्मिनेशन विल अकर. अब जर्मिनेशन के लिए इट रिक्वायर्स सर्टेन एसेंशियल फैक्टर्स, certain essential parameters like it requires sufficient nutrients, humidity and extreme temperature, and so for germination let's see how the germination take place. Germination of endospore kaise hoga, endospore ka germination pehle to isko, what are the essential criteria for the germination, let's see. तो sufficient nutrient चाहिए, right? उसके साथ इनको humidity, proper humidity, sufficient humidity होनी चाहिए और temperature होना चाहिए, favorable temperature होना चाहिए. जब ये criteria present रहेंगे तो क्या होगा, एंडोस्पोर जो है इट विल, एंडोस्पोर इम्बाइब वॉटर. ठीक है, वॉटर इम्बाइब करने के बाद, वॉटर जब इम्बाइब कर लेगा तो ये स्वेल हो जाएगा, इट विल स्वेल एंड इट विल लूज इट्स रिफ्रैक्टिविटी, ठीक है, जब रिफ्रैक्टिविटी लूज हो जाएगी तो इसका जो स्पोर कोट है, जो मैंने, जैसे हमने देखा था, मान लो ये सेल के अंदर एंडोस्पोर फॉर्म हो रखा है. ठीक है, तो
तो वाटर स्वेल करने के बाद, वाटर इम्बाइब करने के बाद ये स्वेल हो जाएगा एंड दिस वॉल विल रप्चर. ठीक है, सो स्पोर कोट. नेक्स्ट क्या होगा, स्पोर कोट जो है वो रप्चर हो जाएगा, स्पोर कोट विल रप्चर, राइट. और फिर क्या होगा, न्यू वेजिटेटिव सेल विल ग्रोज आउट, न्यू वेजिटेटिव सेल विल ग्रो आउट. ठीक है, अब ये जो नया वेजिटेटिव सेल बन रहा है इसकी जो वॉल होगी इट विल बी फॉर्म्ड बाय द वॉल ऑफ द स्पोर वॉल. जो स्पोर वॉल होगी, स्पोर वॉल, ये स्पोर वॉल ही है जो नया बैक्टीरियल सेल जो बनेगा उसके वॉल को यहां पे फॉर्म करेगा, जो न्यू वेजिटेटिव सेल है इसको फॉर्म करेगा. सो दिस इज हाउ द एंडोस्पोर्स, इट शोज एक्सट्रीम रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस कंडीशन और टूअर्स द फिजिकल और केमिकल एजेंट्स. नाउ अभी हम इसको रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, राइट. लेकिन पता है एंडोस्पोर्स से हमने देखा, शुरू में देखा था कि वन सेल, एक सेल से वन सेल प्रोड्यूसेस वन एंडोस्पोर ओनली. तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन नंबर. ठीक है, हेयर व्हाट इज हैपनिंग, वन सेल इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन एंडोस्पोर, देयर इज नो इंक्रीज इन नंबर, सो वी कैन नॉट, इट कैन, वी कैन नॉट कॉल इट एज द एब्सोल्यूट मीन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन. Endospore is mainly considered as the means of the perination, because perination means के लिए क्यों ये जाना जाता है, क्योंकि stress condition में it survives and when the favorable condition, when it gets a favorable condition, it will give out the new bacterial cell. So it is better known, it is known as the means of perination. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन. क्यों, मैंने बताया कि मल्टीप्लीकेशन में देर शुड बी इंक्रीज इन द नंबर, बट देर इज नो इंक्रीज इन नंबर. वन पेरेंट सेल इज गिविंग राइज ओनली वन डॉटर सेल, वन सेल गिव्स राइज टू द वन एंडोस्पोर ओनली. देयरफॉर मेनली इट इज कंसिडर्ड एज द, मेनली इट इज कंसिडर्ड एज द मीन्स ऑफ पेरिनेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोस्पोर.